तो क्या मैं कोई देवी देवता नहीं हूं और ना ही मोटा भाभी की तरह कोई फरिश्ता। मोटा भाभी की वाणी में इतनी मिठास है कि एक एक शब्द मेरी बहू गोपी को मीठा लगता है और मेरी ही बहू को मेरा एक एक शब्द जहर लगता है, जहर। अब तो गोपी के दिमाग में मेरी ऐसी छवि बन गई। लेकिन तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे बताओ कि ये पानी यहाँ आया कैसे? नानी भाभी, शायद ये पानी राशि भाभी के कमरे से आ रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप तक खबर पहुंच भी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे माफ कीजिएगा विवान जी, मुझे ना घर में बहुत काम निपटाने हैं, बात नहीं कर सकती हूँ आपसे अब। जय श्री कृष्ण। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गई? तो जाओ। राशि, तुम रसोड़े के काम कब तक सीखोगी और कितना समय लगेगा तुम्हें ये सब काम सीखने में? चटनी तो छोड़ो, तुम्हें एक अच्छी सी दाल तक बनाने नहीं आती। आज सुबह क्या हुआ, दूध वाला आया तो दूध तुम्हारी सास ने और मैंने लिया, तुमने लिया नहीं, और अब ये नाश्ता। चटनी तो छोड़ो, ये थेपले भी कच्चे हैं। मैंने दरवाजे पर कड़ी लगाई थी, किसने खोली कड़ी? गोपी, किसकी इजाजत से तू यहाँ आई? किससे पूछ कर आई है? कोकिला, वो मेरी और मेरी बहू के बीच मत आइए। मैं भी बहू हूँ और अपनी सास के राज में रह चुकी हूँ, है ना बा? बेटियों के घर में ताक झांक करना शर्म की बात है। नहीं, मैं खत्म हो गई ना जी। प्रसाद पाया ना जी? तो आपका घर आपकी राह देख रहा है। जय श्री कृष्ण। राशि, ठीक से साफ करना। तुम्हें इतनी तेजी से दौड़कर क्यों आ रही थी, जैसे आग लगी हो? बात क्या है? नहीं काकी जी, वो क्या हुआ ना, मैंने चूल्हे पे कुछ चढ़ा के मैं वॉशरूम चली गई तो। राशि, काश कि तुम में इतनी समझ होती कि तुम वॉशरूम जाने से पहले गैस को धीमा करके चली जाती। नहीं कोकिला, मोटा भाभी, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए। ले जाइए अपनी बहू को, बेलगाम बहू की लगाम कसिए। चलो राशि,